इन दिनों डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स दुनिया भर में धमाल मचा रही है। फिल्म को देखने के लिए रोजाना दर्शकों की भीड़ सिनेमा घरों में पहुंच रही है, लेकिन इस बढ़ती लोकप्रियता के बीच हरियाणा में द कश्मीर फाइल्स को फ्री में दिखाए जाने पर डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री बुरी तरह भड़क गए हैं। बता दें, डायरेक्टर ने एक ट्वीट करके भाजपा नेता पर सवाल खड़ा किया है। दरअसल हरियाणा के रेवाड़ी शहर में फिल्म को दिखाने के लिए रविवार की शाम एक पार्क में बड़े पर्दे पर शो रखा गया था, लेकिन फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री को यह रास नहीं आया और उन्होंने इसे कॉपीराइट के तहत न केवल अपराध माना बल्कि हरियाणा सरकार को ही चेतावनी भरे लहजे में शो को रोकने की बात की, जिसके बाद शो को तत्काल रोक दिया गया। हालांकि इसके बाद भाजपा नेता ने शनिवार और रविवार को सिनेमा हॉल के तमाम शो बुक करने के साथ ही लोगों को मूवी दिखाने की बात की और कहा, हमारा मकसद उन लोगों को इस फिल्म को दिखाने का था जो 200 रुपए की टिकट खरीद कर फिल्म नहीं देख सकते, लेकिन अब हमने निर्णय लिया है कि हम सिनेमा हॉल की टिकट खरीद कर उन गरीब लोगों को भी फिल्म दिखाने की कोशिश करेंगे जिन्हें इतिहास के बारे में पता चल सके। वैसे आपको ये मूवी कैसी लगी, नीचे कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें।